एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल प्लाजो की ड्राफ्टिंग और थ्योरी के बारे में। जैसे कि हमें किसी भी साइज की अगर प्लाजो बनानी है, जैसे बच्चे की बनानी है या किसी भी साइज की बनानी है, तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी साइज की ये प्लाजो कोई भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थ्योरी समझाऊंगी आपको। जैसे ये हमारी लंबाई है प्लाजो की, हम लंबाई लेंगे तो जैसे जितनी भी लंबाई है हमारी वो लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 40 इंच ली है प्लस उसमें 2.5 किया है। अब ये तो होगी हमारी लंबाई, तो इसमें हमारा जैसे फोल्डिंग के लिए जाता है इलास्टिक लगती है, जो हमारा नीचे बॉटम में भी फोल्ड होता है, तो उसके लिए हम ये 2.5 इंच लेते हैं। तो हमारी ये लेंथ फुल है 40, तो इसमें हमें प्लस करना है 2.5, तो फुल लेंथ हमारी हो जाएगी 42.5 इंचेस। उसके बाद हमारी आती है कमर, जैसे जितनी भी हमारी कमर है यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे मेरी यहाँ पे 38 इंच ली है। उसके बाद आता है हमारा हिप, जैसे हम सिट भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने 40 इंच ली है, तो जितना आपका है उस हिसाब से आप ले लें। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमारा मेथड आएगा आगे। तो ये मेथड है जैसे, तो सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो इस प्लाजो के लिए हमें, जैसे इसकी लंबाई हमारी 42 तक जा रही है, तो 2.25 इंच कपड़े में ये प्लाजो हमारी बन जाएगी। अगर आपकी लंबाई जैसे 38 है तो आपकी 2 मीटर में बन जाएगी। 40 से ऊपर है आपकी लंबाई तो आपकी 2.25 मीटर लगेगा कपड़ा प्लाजो के लिए। सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करना है हमें। उसके बाद फोल्डेड साइड से लंबाई लेनी है, जैसे फोल्डेड साइड आएगी उसकी ओर से हमें लंबाई लेनी है। पूरी लंबाई जितनी है हमारी उसमें हम 2.5 इंच ऐड कर देंगे, जो हमारा फोल्डिंग के लिए जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे हमारा आएगा हिप का फॉर्मूला। अब जैसे हिप का फॉर्मूला समझने के लिए हमें ये, अगर हमें किसी भी साइज की जैसे प्लाजो बनानी है तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है हमारा, जैसे हिप डिवाइड करेंगे हम 4 से प्लस उसमें कर देंगे 1.5 इंच, तो हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। तो हिप हमारी जैसे यहाँ पे है 40 इंच को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ हमारा 10 आया, तो 10 में हम 1.5 प्लस कर देंगे, तो ये रहा हमारा हिप 11.5 इंचेस आया। ये हम जब समझेंगे, जैसे हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे तो उसमें हमारा एकदम बराबर समझ आएगा। ये हमारा हिप इस तरह से निकलेगा, तो ये हमारा हिप का फार्मूला हो गया। अब आसन कैसे निकालेंगे हम, तो किसी भी साइज का आसन निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। आसन निकालने का फॉर्मूला है हमारा, जैसे हिप को डिवाइड करेंगे हम 3 से, आसन के लिए हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो हिप हमारी यहाँ पे है 40 इंच, डिवाइड किया 3 से तो यहाँ पे आया हमारा 13 इंचेस। उसके बाद आएगा क्रोच एरिया, तो जैसे हम यहाँ पे हमारा आएगा ये आसन, तो वहां पे हमारा क्रोच एरिया आएगा इस तरह, जब हम ड्राफ्ट बनाएंगे तो हमें एकदम समझ आएगा। तो ये हमारी होगी थ्योरी। इसके बाद हम ये ड्राफ्ट बनाएंगे प्लाजो पेंट का। तो ये मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, इसमें जैसे यहाँ से हमारी ये कपड़ा लिया है, इसे 4 फोल्ड में किया है, और ये हमारी फोल्डेड साइड है कपड़े की, यहाँ से हमारी लंबाई आएगी। तो यहाँ से जैसे हमारी लंबाई है 40 इंच हमारी यहाँ से यहाँ है, ये हमारा जैसे हमारे यहाँ पे इलास्टिक आएगी, तो 1.5 इंच हमें यहाँ पे लेना है, और नीचे हमारा बॉटम में फोल्ड होगा तो 1 इंच हमारा ये आएगा, तो ये हम इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लंबाई हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा हिप आएगा, तो इसके लिए भी हमारा फार्मूला लगेगा। तो हिप के लिए हमारा फार्मूला आएगा, जैसे मैंने थ्योरी में भी आपको बताया, तो फिर से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे हिप का फॉर्मूला है, हिप डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे हम उसे, तो प्लस कर देंगे उसमें 1.5 इंच। तो जैसे हमारा यहाँ से हिप हमारा है 40 इंचेस, तो उनको डिवाइड किया हमने 4 से, तो प्लस उसमें 1.5 करेंगे, 4 से डिवाइड किया 40 को तो हमारा 10 इंच आया, तो उसमें प्लस हम कर देंगे 1.5 इंच, इक्वल करके हमारा हो गया 11.5 इंचेस। तो ये एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो गया 11.5 इंचेस यहाँ तक। उसके बाद ये यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, यहाँ सिलाई के लिए आएगा, लूजिंग के लिए आएगा जो भी है हमारा। तो ये हमारा हिप यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच आया,
उसके अलावा हमें 1.5 इंच इसमें वो ऐड करना है, तो ये हमें ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी टाइट हो जाएगी यहाँ से। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा हिप का हो गया, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा यहाँ से आसन का आएगा, तो आसन का भी हमारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले से क्या, हम किसी भी साइज का फॉर्मूले से आसन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा आसन का फॉर्मूला आएगा, तो जैसे हमारा हिप से ही निकलेगा, तो हिप हमारा है यहाँ से फॉर्मूला ऐसे लगेगा, हिप डिवाइडेड बाय 3, तो हिप हमारा जैसे 40 इंच है, 40 को डिवाइड किया 3 से, तो इक्वल करके हमारा ये 30 इंच आ गया, यहाँ से हमारा ये 13 इंच आ गया। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 13 इंच है, यहाँ से आएगा ये हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ से यहाँ तक 13 इंच आ गया, ये हमारा यहाँ से आसन का यहाँ तक लाइन है। अब ये एरिया है जो हमारा, ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा हमारा, ये जो है ये हमारा जैसे फूल हमारी जो तैयार आएगी वो है, और यहाँ से ये एरिया है हमारा, ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें यहाँ से, तभी हमारी लूजिंग आएगी अच्छे से, नहीं तो हमारी यहाँ से कई बार फट जाती है, यहाँ से टाइट होती है, तो ये हमें लूज रखना है इतना 2 इंच। तो ये हमारा क्रोच एरिया आ गया, यहाँ से लाइन लगाएंगे और यहाँ से हमें ये ऐसे राउंड गुलाई में दे लेना है, तो ये हमारी शेप बन जाएगी आसन की इस तरह से। अब ये हमारा जैसे फ्लेयर है, तो फ्लेयर हमें कितना रखना है, जैसे ये कपड़ा तो हमारा इतना आएगा जब हम कपड़े पे बनाएंगे, तो ये जितना हमारा कपड़ा है ये पूरा फ्लेयर रखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कम रखना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ का फ्लेयर रख सकते हैं। तो ये जैसे मैंने रखा है ये पूरा हमारा कपड़े का पूरा फ्लेयर है, तो इससे हम जैसे यहाँ से लाइन लगानी है और यहाँ तक ये हमारी लाइन लग जाएगी, तो ये पूरा आ जाएगा। अगर कम रखना है तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जैसे ये हमारी ऐसे कॉर्नर से आई है, ए शेप में बना है यहाँ से, तो ये हमारा लटकेगा अगर हम यहाँ से कटिंग नहीं लगाएंगे, तो 1 इंच का हमें यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगानी है लाइन, कोई इस पार्ट को कट करना है जिससे हमारी ये लटके ना। ये हमारी इस तरह से ड्राफ्ट होगा बनेगा इस प्लाजो का। तो जैसे फिर से मैं समझाती हूँ, जैसे ये हमारी लंबाई है और ये हमारी फोल्डेड साइड आएगी, ये हमारा 4 पीस है कपड़े के, तो ये हमारा 4th पार्ट है उसका कपड़े का, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हिप आएगी, यहाँ तक हमारा आसन है, ये हमारा क्रोच एरिया है, और ये हमारी यहाँ से फ्लेयर आएगा जितना हमें रखना है, और ये हमारा इस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये ड्राफ्टिंग हो जाएगी प्लाजो पेंट की, ये हमारी थ्योरी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इस तरह से फॉर्मूला हम समझ लेंगे तो हम किसी भी साइज की प्लाजो पेंट को बना सकते हैं। फ्रेंड्स प्लाजो पेंट की मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ड्राफ्टिंग और थ्योरी के बारे में समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स ये प्लाजो की ड्राफ्टिंग और थ्योरी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।